हेलो फ्रेंड, आज मैं शेयर कर रही हूँ मटन मसाला स्टू बनाने की रेसिपी। मटन स्टू बनाने के लिए मैंने यहाँ कुकिंग ऑयल ले लिया है। मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच जीरा, 2 दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग, 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 तेज़पत्ता और सभी को मैं कुछ सेकंड के लिए पका लूँगी। सभी साबुत मसाले को मैंने 15 से 20 सेकंड पका लिया है। मैं इसमें डाल दूंगी बारीक कटे हुए प्याज और मैं इसे ब्राउन होने तक मैं इसे फ्राई कर लूंगी। चलिए, मैं इसमें प्याज डाल दी हूँ, अब मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। प्याज को अच्छी तरह फ्राई कर लें। प्याज फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ मटन। मैंने यहाँ 1 kg मटन लिया है। मटन को मैंने खूब अच्छे से फ्राई कर लिया है। ये देखें, पानी बिल्कुल भी नहीं है इसमें, पानी सब सूख चुका है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ, यहाँ मैंने 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, लहसुन मैं इसे डाल देती हूँ। साथ ही मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्च 8 से 10, मैं इसमें डालूंगी, यहाँ मैंने 5 से 6 प्याज को काट के रखा है, मैं इसे डाल देती हूँ। मसाला पाउडर में मैं यहाँ डालूंगी 1/2 चम्मच गरम मसाला, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च, कुटा हुआ धनिया। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और सभी को मैं मिक्स कर लूंगी और इसे मिक्स करके मैं 15 से 20 मिनट इसे पकने के लिए गैस पर रख देती हूँ। मटन मसाला स्टू बनकर तैयार है। मैंने इसमें हरी मिर्च, अदरक और धनिया पत्ती डाला है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।